गुड मॉर्निंग गाइस। तो 2:30 बजे हैं रात की और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज है जो होली के बाद फर्स्ट मंडे आता है उसको बांसुड़े पूजे जाते हैं। तो जा रहे हैं बांसुड़े पूजे, हम सब घर की लेडीज़ें जा रही हैं। तो नहाना धोना कुछ होता नहीं है, रेडी कुछ होता नहीं है, तो ऐसे बिना मुँह धोए और बिना नहाए जाते हैं बांसुड़े पूजने के लिए। तो बस सब रेडी, हम लोग जो सामान रेडी करके निकलते हैं क्योंकि फ़ोन आ रहा है बार बार, में लेट हो जाएंगे इसलिए। तो तो ये बाहर आ चुके हैं, मंदिर दिखाया नहीं था क्योंकि वहाँ पे एक तो छोटा मंदिर है, वो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, तो इसलिए मैंने थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा वीडियो क्लिप लेना, तो इसलिए मैंने बाहर से ले लिया था। तो ये है बरगद का पेड़ की टहनी जो कि यहाँ पे बोई जाती है और जो भी सामान होता है वो सारा चढ़ाया जाता है, तो इन्हें बोलते हैं बांसुड़े। और ये ना मेरी जो डाली है पेड़ की से उसकी सेटिंग नहीं होती, बार बार निकल रही थी सब रेत में से, तो फिर अच्छे से मैंने सेट कर दिया। और चावल वगैरह थे, जो सामान चढ़ता है बांसुड़े में वो मैंने सारा इसमें रख दिया था। तो बस, और बाकी के लोग भी पूजा कर रहे हैं साथ के साथ, ये जो चाची लोग भी हैं और फ्रेंड्स हैं, सारे इकट्ठा होकर हम जाते हैं इसलिए। और बाकी क्या, बस सारे सबने पूजा कर ली थी, मैं ही रह गई थी, मैं सबसे पीछे चल रही थी इसलिए। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो भारी मंदिर है ये और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो दिख नहीं रहा क्योंकि सामने एक लाइट जली हुई है और लाइट के जो पूरा फोकस है कैमरे पर पड़ा हुआ, तो वो अच्छे से क्लिप नहीं ऐड हो रही है। बाकी अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पे। फिर माताजी पूजने के बाद और जो भी बांसुड़े की पूजा होती है उसको करने के बाद फिर हम आ गए थे हनुमान मंदिर में। और ये हमारे गांव में है और घरों के पास ही, इसके जो मंदिर है इसके आस पास हमारे सबके घर होते हैं, तो हम इधर ही सारे मिल जाते हैं। और बस हनुमान जी की पूजा करके जोत जला के इसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। और ये है सारी मेरी फ्रेंड है जो कि पूजा कर रही हैं। और ये हमारा हनुमान मंदिर, ये अभी बना है, इससे पहले छोटा मंदिर था, अब ये बड़ा बना है और काफ़ी बड़ा है क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा है, इस वजह से अच्छे से दिख भी नहीं पा रहा था और अच्छे से दिखाया भी नहीं हमने क्योंकि एक दो लेडीज़ हमारे अलावा और भी थी, तो सबको पसंद नहीं होता है ना कैमरे में आना, इसलिए तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है बनाते हुए भाई कभी कोई भड़क ना जाए इसलिए। और ये हमारा मंदिर जो कि बहुत ब्यूटीफुल है और हर तरफ अंधेरा है अभी तो इसलिए। और यहाँ पे भी पूजा की थी, बरगद का पेड़ था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी धोखवानी होती है। और ये तो हमारा सभी आए हैं बांसुड़े पूज के, और आज सोमवार है, मीन्स की होली के बाद जो सोमवार पहला सोमवार आता है उसको बांसुड़े पूजते हैं, तो बांसुड़े पूजने के लिए गए थे। और हम काफ़ी जल्दी उठे थे, 2:30 बजे उठ गए थे और 2:30 बजे उठे थे हम, 2:45 पे निकल गए थे घर से हम, तो क्योंकि जल्दी जाना था क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, छोटा सा मंदिर है और भीड़ बहुत हो जाती है, पूरे गांव की लेडीज आती है इसलिए फिर नंबर नहीं आता है और वही धक्का मुक्की, तो ऐसे में कुछ मज़ा नहीं आता है। और अच्छे से दर्शन में हो पाते पाठ पूजा, तो बस दूर की बात है, पाठ पूजा भी नहीं हो पाती, अच्छे से धक्का मुक्की होती रहती है इसलिए। तो बस हम सब बहू मिल के
हम एक परिवार की बहुएं हैं सारी, तो हम सब मिलके अपना जैसे कहीं भी मजा, जैसे होली पूजन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं साथ साथ में जाते हैं, और कुछ भी है मतलब उनको मेरे पास रहना अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, तो हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, हमारी काफ़ी पटती है सबकी, तो इसलिए हम साथ में रहते हैं, कहीं भी जाना साथ में जाते हैं सारे। तो बस रात को प्लान बन गया था कि 2:30 बजे उठ लेना और फिर 3 बजे निकलेंगे घर से, जल्दी से पूजा करके आ जाएंगे, भीड़ भी नहीं होगी, और काफ़ी अंधेरा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पर कि है कि हाँ लड़का आ गया था उनके साथ, उसके साथ में चली गई थी, तो फिर आगे वो लोग मिल गए थे और अच्छे से हमने पूजा वगैरह कर ली थी। तो बस अब घर आई हूँ, घर में सबके 12 बजे हुए, मीन्स के सबके सब सो रहे हैं और मैं ही जग रही हूँ, और मेरी एक गंदी आदत ये है कि मैं किसी टाइम भी उठूँ मुझे चाय चाहिए होती है, तो मैंने चाय चढ़ा दी अपने लिए, तो हस्बैंड उठेंगे लेट तो उनके लिए मैं बांध बना दूंगी, अब मैं मेरे लिए चढ़ रही है चाय, तो मैं बैठ के पीऊँगी चाय, तो मैं पी लूँगी बना के, और अभी बजे 4:30 हुए हैं, अभी चाय पी के अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि अभी जल्दी काम 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 क्या करूँगी इतनी जल्दी उठ के, तो बस अब तो चाय पीऊँगी, थोड़ी देर लेटूंगी, अगर नींद आई तो सो जाऊँगी, अदरवाइज़ फ़ोन चला लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, खाना भी इतनी इतनी जल्दी नहीं बनाऊंगी बच्चों के लिए, और अभी अंधेरा भी है बाहर, तो झाड़ वगैरह में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो थोड़ी देर लेटूंगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, और नींद आई तो अच्छी बात है, नहीं तो चाय पियेंगे थोड़ी देर लेटेंगे, बस चाय पी लेते हैं और हस्बैंड उठेंगे तो उनकी बना लेंगे चाय और उनके साथ फिर से पी लेंगे क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलिए फिर चाय चाय को देख लेते हैं, और चाय बस रेडी होगी हमारी चाय, तो देख सकते हैं 3:30 हुए हैं और पूजा निपट गई थी, तो हमारा काम भी निपट गया, चाय वानी पी ली थी, तो मैं डायरेक्ट मिलती हूँ खाने पे, तो कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है, हल्दी भी डाल दी थोड़ी सी, एक्चुअली मैं बना रही हूँ दम आलू विद मटर, तो थोड़ी सी हल्दी डाल के ना कलर अच्छा आ जाएगा इस पर इसलिए, और अब डाल देंगे डायरेक्ट आलू, आलू हम कर लेंगे अच्छे से आलू फ्राई, अलट पलट के अच्छे से पलट लेंगे, कोई ऐसी चीज़ ले जिससे कि आपके आलू ना फूटे, चम्मच वगैरह कर लेंगे करछी वगैरह तो उससे आलू फूटेंगे, तो कोई ऐसी चीज़ ले जिससे कि आपके अच्छे से उथल फुथल हो जाए आलू और फूटे भी ना। तो ये देखिए आलू पे अच्छे से खाचक क्रंच आ गया है अच्छा खासा, और इसको पलट पलट के अच्छे से कर लेंगे, जितना क्रंच होगा ना उतना ही टेस्टी सब्जी बनेगी आप लोगों की, तो मुझे थोड़ा क्रंची आलू पसंद भी है, तो इसको ना ऐसे फ्राई करके इस पर काला नमक डाल के चाट मसाला डाल के आप ऐसे भी इसको सॉस के साथ या चाय के साथ दही के साथ इंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है ऐसे खाने में, मैं काफ़ी बार खाती हूँ और बच्चों को भी पसंद है, तो मैं ऐसे बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती हूँ। तो सेम कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में तेल डाल दिया है और जीरा डाल के प्याज डाल लिए, प्याज को भी हम ब्राउन कर लेंगे, और उसके बाद फिर हमने मिर्च डाल दी थी हरी थोड़ी सी, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे क्योंकि आलू तो हमारे भूंदे बिल्कुल गले पड़े हैं इसलिए, तो बस थोड़ा मसाला अच्छे से पका लेंगे, और मैंने बनाई थी टमाटो की प्योरी और वो भी मैंने डाल दी, इसमें मैंने लहसुन भी पीसा था, तो हमारे जो प्योरी है वो अच्छे से पक चुकी है, बाद में आती है मसालों की बारी, तो हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया है और साथ में मिर्च डाल दी है और धनिया डाल दिया है, जो भी ड्राई मसाले होते हैं डेली रूटीन वाले सारे डाल दिए हैं, और मसाले को पकाएंगे हम 2 मिनट तक, और अच्छा आप इसमें ना खड़े मसाले यूज करते जैसे कर सकते हैं जैसे कि तेज पत्ता है लौंग वगैरह वो आप डाल सकते हैं छोंक में, और इसमें आप मक्खन ऐड कर सकते हैं, दही ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया, और आप इसमें कैसू भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स की काजू है वो उसमें आप इसमें ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, और उस पर पेस्ट भी बना सकते हैं इसका, तो उससे दुगना टेस्ट आएगा इसमें, और मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, स्किप कर दिया, आप स्किप भी कर सकते हो ऑप्शनल है तो इसलिए, और फिर मेरा छोंक पक अच्छे से पक गया था, उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर मटर, क्योंकि मटर मुझे पहले ही पकाना होगा छोंक में क्योंकि आलू तो बिल्कुल पक चुके हैं, और इसकी प्रिपरेशन मैंने रात को ही करके रख दी, सब्जी की प्रिपरेशन मैंने रात को कर दी थी, टमाटर जो आलू है वो उबाल के फ्रिज में रख दी थी छील छाल के, और जो मटर है वो भी छील के अपने फ्रिज में छोड़ दी थी ताकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है इनको छीलने बैठो और ये उबालने बैठो, तो डायरेक्ट
बस छोकना ही होता है और बच्चों का स्कूल होता तो लेट हो जाते हैं। तो बस मैंने अच्छे से मसाले को पका दिया है, जितना आपको पानी चाहिए उतना पानी आप डाल लें, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए, बाद में फिर ये आलू ना पानी सोख लेते हैं, फिर ना सब्जी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है इसलिए। और आप और अपने अकॉर्डिंग बनाए, आपको गाढ़ी पसंद है या पतली पसंद है। तो मेरे घर पर पानी की सब्ज़ी खाई जाती है इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया था, और बाद में मैंने डाल लिया था धनिया और गर्म मसाला, और ये है फाइनल लुक मेरी सब्ज़ी का, तो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। उसके बाद फिर मैं सेक रही हूँ पराठे, खाना बना रही हूँ। इस टाइम पे बच्चे उठ चुके हैं, हस्बैंड उठ चुके हैं, तो उनके लिए बस बच्चों के लिए टिफ़िन पैक किया जा रहा है, उनका नाश्ता बनाया जा रहा है। तो बच्चों को पसंद है समोसा टाइप का पराठा, तो उनके लिए मैं हमेशा ये पराठा बनाती हूँ। मतलब रोटी भी दे देती हूँ, पराठा ज़्यादा खाते हैं पर रोटी भी दे देती हूँ मैं कभी कभार, ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं खाते हैं, कोई भी दोनों चीज़ भी चलती हैं, खा लेते हैं बच्चे। तो बस अब पराठे मैंने सेक दिए हैं और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी चाय हस्बैंड के लिए, और मैं भी दोबारा पी लूँगी क्योंकि आई लव टी। तो बस अब बच्चे रेडी होने लग रहे हैं और बच्चे अपने आप से रेडी हो जाते हैं क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं थोड़े, इसलिए और आजकल के कुछ ना जो रिवाज वगैरह वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे जैसे कि मेरी दादी लोग थे उनके टाइम पे जो बासड़े होते हैं तो वो रात को ही खाना बना के रख देते थे, जैसे कि चावल वगैरह वो ज़्यादा बना के रखते थे क्योंकि सारा दिन फिर उनको बासी चीज़ें खानी होती थी, ताज़ा नहीं बनाते थे क्योंकि उस टाइम पे फिर इतना कोई जॉब में जाना भी नहीं था कि भी जॉब में जाएंगे ऑफिस वगैरह जाएंगे, जॉब है या वो है टिफिन पैक करना है, ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि घर पे रहते थे लोग, खेती बाड़ी करते थे तो खा पी के अपने खेत में निकल जाते थे, तो इसलिए। और आजकल तो कौन बासी खाता है, कोई नहीं खाता है, वह सब गर्म गर्म चलता है, और जिसके हस्बैंड ऑफिस में जाते हैं या बच्चे जाते हैं तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं चलता है बासी खाना वगैरह, उनके लिए तो ताज़ा खाना ही बनाना पड़ता है। तो वो जो रिवाज थी वो उसी टाइम पर थी, अब उसको कोई फॉलो नहीं करता है बिल्कुल भी, सब गरम गरम बना के खाते हैं। तो बस यहाँ मेरे पराठे बन चुके हैं और बच्चों को मैं डाल डाल के दे रही हूँ साथ के साथ, और उनका टिफ़िन भी मैं पैक कर रही हूँ सुबह के सुबह, और सुबह बिल्कुल भागम भाग रहती हूँ मैं। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।